अभी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी, कैसे ये कॉज होगा हमारे अंदर, कैसे कैसे स्टेप्स में ये कॉज करेगा जो आपका कॉजिटिव एजेंट है। तो सबसे पहले क्या है, इन्फेक्शन टू द लंग्स इजी बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया या वायरस आएगा और वो क्या करेगा, आपके लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद क्या, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन इनिशिएटेड, जो आपका, क्योंकि ये पैथोजेंस अंदर आए आपके लंग्स में आ चुके हैं, तो अब क्या होगा, हमारे अंदर हमारे बॉडी भी क्या करेगी, अपनी जो आर्मी है जो कि इन पैथोजन से लड़ने के लिए उसने तैयार कर रखी होती है, वो क्या करेगी, तुरंत ही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो मतलब क्या, वहां पे क्या आपका मास्ट सेल से आपका हिस्टामिन्स वगैरह सिक्रीट होने लगेंगी, और क्या होगा आपका जो गॉबलेट सेल्स है म्यूकोसा मेम्ब्रेन की, म्यूकस मेम्ब्रेन की, वहां से क्या म्यूकस का सिक्रीशन होने लगेगा और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, एल्विओलर एडिमा एक्सुडेट फॉर्मेशन, अभी क्या होगा, लिक्विड फ्लूइड फिल होने लगेगी एल्विओलर कैविटी में, और क्या होगा, WBC क्या होंगे, ब्लड वेसल से बाहर आने लगेंगे, लीक करके क्या बाहर आने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, एल्विओली एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फिल विद सीरस, क्या होगा, जो एल्विओलाई होगी या फिर ब्रोंकियल जो होगा, ब्रोंकियोल्स होंगे, उसमें क्या होने लगेगा, अब फ्लूइड का फिल होने लगेंगे, फ्लूइड फिल होने लगेंगे और गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, वो इनहिबिट होने लगेगा या फिर वो अफेक्टिव होने लगेगा। अभी क्या, एक्सुडेट जो बनेंगे वो क्या, ब्लड सेल्स, फाइब्रिन, बैक्टीरिया, ये सारे ही चीजें क्या हो गई है। देखिए एल्विओलाई में पहले तो सिर्फ क्या था, बैक्टीरिया था, लेट से बैक्टीरिया ही था वो जो पैथोजन था। इसके साथ साथ क्या आया, कुछ उसमें ब्लड सेल्स WBC आ चुके हैं, एक्सुडेट क्या आ गए हैं आपके, अभी कुछ म्यूकस आ चुका है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन से म्यूकस भी आ गया है, वो भी आ चुका है, और फाइब्रिन्स भी वहां पे आ चुकी हैं, और ये सभी क्या, ये सब एल्विओलाई में आकर के कंसोलिडेट इकट्ठा होने लगे हैं, और क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफ द लंग टिश्यू, और धीरे धीरे करके जो पूरा का पूरा लंग है उसमें क्या फ्लूइड फिल हो जाएगा, फ्लूइड फिल हो जाएगा, कंसोलिडेशन मतलब फ्लूइड का फॉर्मेशन, फ्लूइड फिल हो जाना उस कैविटी में। तो अभी क्या, अभी तो एल्विओलाई के साथ साथ जो पूरा लंग का टिश्यू है उसमें क्या होगा, फ्लूइड का फिल हो जाएगा, उस कैविटी में फ्लूइड फिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा आपका गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, अफेक्टेड होगा इस केस में। तो ऐसा होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं स्टेज वाइज के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या है, स्टेज ऑफ कंजेशन, स्टेज ऑफ कंजेशन क्या है, जब कंजेशन सिर्फ होगा तो वो कैसे होगा, कंजेशन मतलब कॉन्स्टेंट वो क्या होना, पूरा फंसना, पूरा क्या एक तरह से, तो लेट से आप कोई पाइप था और वहां पे क्या कोई एक भारी चीज आ गई है और अब क्या उस पाइप से आर पार कोई भी चीज नहीं आ जा पा रही है, तो क्या वो कंजेशन हो गया है। तो अभी क्या होगा, रिप्रेजेंट कंजेशन में क्या होगा, रिप्रेजेंट अर्ली एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यहाँ क्या होगा जब स्टार्ट ही होगा, जैसे ही पैथोजन अंदर जाएगा उसी समय क्या होगा, एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा और वहां पे क्या म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसमें म्यूकस फिल हो जाएगा और क्या मास्ट सेल से आपके हिस्टामिन सिक्रेट होने लगेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले जो स्टेज ऑफ कंजेशन है यहाँ पे क्या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत ही तेजी के साथ स्टार्ट होगा। अफेक्टेड लोब बिकम्स रेड एंड हैवी ड्यू टू कंजेशन, जो अफेक्टेड लोब होगा जहां पे ये क्या ये सभी स्टार्ट हुए हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, वो क्या होगा रेड और हैवी होने लगेगा। और क्या प्रोटीनेसियस फ्लूइड, जो प्रोटीनेसियस फ्लूइड है और क्या है अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स, प्रोटीनेसियस फ्लूइड मींस वो भी जो भी आपकी एंटीबॉडीज वगैरह आएंगी वो सभी क्या वहां पे फॉर्मेशन होने लगेगा। और क्या अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स एंड मैनी बैक्टीरिया कैन बी सीन इन द एल्विओलाई, जो एल्विओलाई है वहां पे क्या WBC आपको दिखेंगी, न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे और क्या बहुत से एंटीबॉडीज वहां पे क्या आपको उसी एल्विओलाई में दिखने लगेंगे। तो क्या होगा वहां पे थोड़ा और म्यूकस भी है तो म्यूकस से क्या फ्लूइडिटी भी वहां पे आ जाएगी। तो और क्या होगा लास्ट फॉर 1 to 2 days, ये चीजें क्या 1 से 2 दिन तक होंगी। वहां पे क्या क्या आ चुका है, अभी बैक्टीरिया है, म्यूकस है और क्या है आपके न्यूट्रोफिल्स हैं और आपके एंटीबॉडीज हैं। तो ये सभी चीजें वहां पे एल्विओलाई में आकर के क्या इकट्ठा हो चुकी हैं और एक दूसरे से फाइट कर रही हैं इन्फेक्शन को रोकने के लिए ही। और क्या है स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, अफेक्टेड लोब बिकम्स रेड, जो अफेक्टेड लोब है वो रेड होगा, क्यों रेड होगा, फर्म और फर्म सख्त होगा, थोड़ा टाइट होगा। प्रोटीनेसियस फ्लूइड ट्रांसफॉर्म्स इनटू फाइब्रिन, अभी ये जो प्रोटीनेसियस फ्लूइड था क्या होगा ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होने लगेगा। विद मार्क्ड सेलुलर एक्सुडेट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, और जो न्यूट्रोफिल्स है वो क्या होंगे, एक्सुडेट के फॉर्म्स में आने लगेंगे और वहां पे क्या फिल होने लगेंगे।
एक्स्ट्रावेजेशन, अभी जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये भी क्या होंगी, ये लीक करने लगेंगी ब्लड वेसल्स से और वहां पहुंचने लगेंगी कहां पे, जहां पे ये सारा एक्सुडेट इकट्ठा हुआ है, एक्सुडेट हुआ है। रेड सेल्स विच गिव रेड कलर, वो रेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स आई थी, यहाँ पे क्या रेड ब्लड सेल्स आकर के उस एल्वियोलाई में इकट्ठा हो रही थी, उस लोब में क्या रेड ब्लड सेल्स आ रही थी, इस वजह से वो रेड हो रहा था। कंसोलिडेटेड लंग्स लास्ट फॉर 2 to 4 days, ये क्या 2 से 4 दिन तक ऐसा होगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन, अभी क्या होगा ग्रे हेपेटाइजेशन होगा। अब ग्रे होगा क्यों होगा, ये अफेक्टेड लोब बिकम्स ड्राई, अभी क्या ये सूखने लगेगा, फर्म सख्त होने लगेगा एंड ग्रे ड्यू टू लाइज्ड सेल्स, ये जो रेड सेल्स थी, जो रेड ब्लड सेल्स वहां पे पहुंची थी, अभी ये क्या हो गई, इनकी लाइसिस हो गई है, ये ब्रेक डाउन हो गई है और ये क्या हो गई, डिस्ट्रॉय होने लगी है एक तरह से, और क्या इस वजह से होगा ग्रे होने लगेगा। न्यूट्रोफिलिक सेलुलर एक्सुडेट्स डिक्रीजेस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मैक्रोफेजेस आर नाउ सीन, अब यहाँ पे क्या मैक्रोफेजेस भी आपको दिखने लगेंगे और जो एक्सुडेट्स था जो इकट्ठा हुआ था फ्लूइड, वो क्या होने लगेगा धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, उसका लेवल डिक्रीज होने लगेगा और क्या वो सूखने लगेगा, और क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोड्स आर रिड्यूस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये भी क्या धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, और ये कब तक चलेगा, ये 4 से 7 दिनों तक होगा, दिस लास्ट फॉर 4 to 7 days। नेक्स्ट क्या है, स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन, अभी क्या ये लास्ट स्टेज है और यहाँ पे क्या होगा रिजोल्यूशन है ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन, अभी क्या एंजाइम्स बहुत से आ जाएंगे और उनका एक्शन के कारण क्या होगा, फाइब्रिनस मैटर इज लिक्विफाइड, जो फाइब्रिन्स बने थे किसके, यहाँ पे जो फाइब्रिन्स बने थे कहाँ पे, ये जो प्रोटीनेसियस फ्लूइड था ये क्या जो फाइब्रिन्स में कन्वर्ट हुआ था, अभी ये क्या होगा फाइब्रिनस मैटर इज लिक्विफाइड, ये फिर से क्या होंगे लिक्विफाइड होने लगेंगे एंड लंग एरेशन इज री एस्टैब्लिश, और लंग्स में क्या एरेशन जो होगा ऑक्सीजन और का क्या फिर से वहां पे फिल होने लगेगी ग्रेजुअली और धीरे धीरे ये ऐसा होने लगेगा। मैक्रोफेजेस आर मेजर सेल्स इन द एल्वियोलाई, जो मैक्रोफेजेस हैं वो अभी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होंगे वहां पे। There is a progressive reduction of fluid and cellular exudates from the alveoli by the way of expectoration and lymphatic drainage. अभी क्या होगा, जो वहां पे फ्लूइड था या फिर जो भी अब क्या था थोड़ा गाढ़ा विस्कस वहां पे क्या फ्लूइड था, वो क्या होगा धीरे धीरे एक्सपेक्टोरेंट क्या होगा, आप एक्सपेक्टोरेंट मीन्स जो आप जो अंदर फ्लूइड है वो धीरे धीरे करके क्या बाहर आएगा बाई कफिंग और अदर मीन्स से क्या बाहर आने लगेगा, और वहां पे क्या फ्लूइड का जो कंसेंट्रेशन थी जो उसका वहां पे वैल्यू थी क्वांटिटी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगी और क्या होगा लीडिंग टू नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा इन ओवर 3 weeks, और 3 weeks के अंदर अंदर क्या होगा वहां से पूरा नॉर्मल फंक्शनिंग में फिर से आपका लंग आ जाएगा और वो वर्क करने लगेगा, एल्वियोलाई प्रॉपर वर्क करने लगेगी। तो ये क्या था, कैसे उसकी पैथोफिजियोलॉजी के स्टेजेस हैं और कैसे कैसे वो चेंजेस आते हैं, उस बैक्टीरिया के कारण क्या क्या चेंजेस हमारा लंग्स के अंदर आता है, उसका सभी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट अब बात करेंगे इसके साइंस एंड सिम्टम्स की, कौन कौन से साइंस दिखेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसमें जो कि क्या आपको अगर निमोनिया कॉज किया है बॉडी में तो दिखने वाले हैं। तो उसमें क्या आपको अगर सेंट्रल मींस आप ब्रेन की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे क्या हेडेक दिखेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट और मूड स्विंग दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, वैस्कुलर में क्या है लो ब्लड प्रेशर, अभी क्या आपका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा लो होगा, हाई हार्ट रेट आपको दिखेगा। गैस्ट्रिक में क्या क्या दिखेगा, नोजिया और वोमिटिंग दिखेगी, नोजिया मीन्स मिचली आना और वोमिटिंग मीन्स उल्टियां होना, तो क्या ये दोनों दिखेंगे। जॉइंट्स में क्या पेन दिखेगा, मसल्स में भी क्या फैटीग और एक मसल्स में भी क्या पेन दिखेगा। नेक्स्ट क्या है लंग्स, लंग्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो कफ होगा विद क्या स्पुटम, स्पुटम के साथ आपका क्या आप में कफ आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिखेगा, प्लूराइटिक चेस्ट पेन दिखेगा और क्या हिमोप्सिस दिखेगी, हिमोप्टाइसिस दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ सिस्टमिक, आपके ब्लड में क्या क्या होंगे, तो क्या क्या हाई फीवर और चिल्स दिखेंगी आपको, क्या दिखेगी हाई फीवर, फीवर हाई मीन्स आपका एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर दिखेगी और क्या आपको ठंड लगेगी। नेक्स्ट क्या है स्किन में क्या क्या है, क्लैमिनेस और ब्लूनेस, ब्लू दिखेगी आपकी स्किन और क्या थोड़ी ड्राई स्किन दिखेगी,
तो ये है साइंस और सिम्टम्स जो कि क्या निमोनिया से रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं इन्फेक्टेड पर्सन में। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करिए डायग्नोसिस की। अभी क्या है, कैसे डायग्नोसिस करनी है, निमोनिया कैसे डायग्नोज होता है, तो उसमें क्या आता है, चेस्ट ऑस्कुलेशन। चेस्ट ऑस्कुलेशन में क्या होगा, इसमें हम साउंड सुनते हैं, इसमें हम रिस्पायरेटरी चेस्ट में क्या हम स्टेथोस्कोप से उसकी साउंड सुनते हैं, क्या उस साउंड में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, अगर फ्लूइड है तो उसके अंदर से फ्लूइड का कुछ साउंड आ रहा है तो हम चेस्ट ऑस्कुलेशन उसको देखते हैं। स्पूटम कल्चर एनालिसिस एंड सेंसिटिविटी, इसमें क्या बलगम की जांच बोलते हैं ना, तो क्या हम कफ को लेते हैं और उस कफ का क्या वहां पे स्पूटम कल्चर वहां पे लेबोरेटरी में जाकर के उसका कल्चर करके उसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्या सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें क्या सीरम लिया जाता है और उस सीरम का क्या टेस्टिंग किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, इसमें क्या किया जाता है, एक फाइबर होता है फाइबर ऑप्टिक ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि क्या एयर पाथवे में इंसर्ट किया जाता है और एक एक्सपर्ट जो डॉक्टर होंगे वो क्या इसको चेक करेंगे एयर पाथवे से चेक करेंगे कि क्या कहीं कंजेशन तो नहीं है, वो क्या उस पाथवे में तो एक ऑप्टिक फाइबर इंसर्ट किया जाता है और उसमें से क्या चेक किया जाता है कंजेशन को। नेक्स्ट क्या है ट्रांसक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन, ट्रांसक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन इसमें चेक किया जाता है अफेक्टेड साइट में क्या एक नीडल इंसर्ट करके उसको एस्पायरेशन करके चेक किया जाता है। ब्लड एंड यूरिन कल्चर, ब्लड और यूरिन कल्चर किया जाएगा। ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन लेवल एनालिसिस, इसमें क्या होगा ट्रांसक्यूटेनियस आपका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाएगा जस्ट बिलो द डर्मिस कि क्या आप में ऑक्सीजन लेवल है, अगर तो उसमें भी क्या मेजरमेंट किया जाता है। और क्या है एबीजी मेजरमेंट, एबीजी क्या है इसको बोलते हैं एट्रियल एट्रियल ब्लड एट्रियल ब्लड गैसेस, एट्रियल ब्लड गैसेस एबीजी को क्या बोलते हैं एट्रियल ब्लड गैसेस। इसमें क्या होगा जो एट्रिया है या फिर आर्टरी जो होती है आर्टरी से आर्टेरियल या फिर एट्रियल आर्टेरियल ब्लड गैसेस, इसमें क्या करेंगे जो आर्टरी होगी वेन्स और आर्टरी, तो नॉर्मली जो आपका ब्लड निकलता है वो कहां से वेन से निकलता है टेस्ट होने के लिए, लेकिन यहां पे क्या होगा आर्टरी से हम गैस आपका ब्लड निकालेंगे और आर्टरी के उस ब्लड में हम चेक करेंगे कि गैसेस कितनी है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है गैसेस का वो कितना है, और वहां पे क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर PO2 हम दो चीजों का चेक करेंगे, और वहां पे अगर ये नॉर्मल है तो आप ठीक है, अगर एबनॉर्मेलिटी यहाँ दिखती है इसमें इनके लेवल में इनके पार्शियल प्रेशर में कुछ अफेक्टेड दिखते हैं तो क्या वहां पे हम कहते हैं कि ये क्या इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है चेस्ट रे एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या चेस्ट का एग्जामिनेशन होता है बाई एक्सरे, एक्सरे करवा करके एग्जामिनेशन करते हैं। सीटी स्कैन और एंटीजन टेस्ट, और क्या दो है सीटी स्कैन से भी ये चेक किए जाते हैं और क्या एंटीजन टेस्टिंग भी इसकी की जाती है, एंटीजन टेस्टिंग में भी क्या ये पता चलता है कि क्या निमोनिया है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट, अब क्या इसमें ट्रीटमेंट है तो क्या कहें सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, एक एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक का यूज करेंगे जो कि गाइस में इफेक्टिव होगी। एडिक्वेसी ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होगी एडिक्वेट कम्प्लीटली ओवर करना चाहिए तो उसके लिए क्या हम उसके हिसाब से हम ड्रग लेंगे। और ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन फॉर हाइपोक्सीमिया, हम ऑक्सीजन जो होगी उसको रखे रहेंगे भरपूर मात्रा में होनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़ती है तो क्या अगर कभी ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम होता है तो हम तुरंत ही उसको यूज कर पाए। ब्रोंको डायलेटर हम इसमें लेंगे लाइक एल्बिट्रॉल सार्बिट्रॉल, तो क्या साल्बुटामोलिन सभी क्या करेंगे हम ब्रोंको डायलेटर्स का यूज करेंगे। ब्रोंको डायलेटर्स क्या होते हैं ये जो इन्फ्लेम्ड इन्फ्लामेटेड जो होते हैं ब्रोंकियोल्स होते हैं उनको क्या करते हैं ये अगेन रीसेप में लाते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं खत्म करते हैं या फिर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट क्या है चेस्ट फिजियोथेरेपी, चेस्ट की फिजियोथेरेपी की जाएगी। और क्या है एडिक्वेट हाइड्रेशन इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ती है तो क्या एडिक्वेट हाइड्रेशन वहां पे दिया जाएगा। एक्सपेक्टोरेंट्स, हम ऐसे एक्सपेक्टोरेंट्स को लेंगे जो कि क्या एक्सपेल कराएं हमारे अंदर से फ्लूइड को जो कि एल्वियोलाई में है। और क्या चेस्ट पेन एनाल्जेसिक, जो चेस्ट पेन हो रहा था उसके लिए क्या हमको एनाल्जेसिक्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि काफी ज्यादा अगर चेस्ट पेन बढ़ता है तो एनाल्जेसिक वहां पे आप दे सकते हैं। एम्पिरिकल यूज ऑफ रिलेटिवली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स,
तो हम क्या एंटीबायोटिक्स, लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या फिर स्मॉल नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दोनों का यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे अलग अलग टाइम पे ऑन डिपेंडिंग द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। प्रीवियस एंड करंट मेडिकेशन हिस्ट्री, हम उस पेशेंट की प्रीवियस या करंट मेडिकेशन हिस्ट्री भी देखेंगे कि इसको क्या पहले से भी कोई बीमारी तो नहीं है, और उस केस में भी क्या होगा, ताकि हमको ड्रग कौन सी देनी है उसको भी हम ड्रग इंटरेक्शन के बेसिस में देख लें और उसके बाद ही उसको ड्रग दिया जाए। अंडरलाइन डिजीजेस और प्रेजेंट क्लिनिकल स्टेटस, पहले से कौन कौन सी बीमारियां पहले से हैं उनको वो भी हम चेक करेंगे। तो ये क्या है, ये गोल्स हैं, क्या क्या हमको गोल्स हैं थेरेपी के लिए या फिर इस ट्रीटमेंट के लिए, हमको कौन कौन से पहले से गोल्स सेट करने हैं ताकि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये एक जो गोल्स सेट किए जाते हैं वो है। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रीटमेंट, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि इसके ट्रीटमेंट में ली जाएंगी, उससे पहले वो कौन कौन से फेजेस है, किस फेज में वो है पर्सन जो इन्फेक्टेड है इस बीमारी से, उसके देखते हुए हम क्या इसमें दवाएं यूज करेंगे या फिर ड्रग्स का यूज किया जाएगा। जैसे स्पेशल केसेस फॉर लाइक, अगर पेशेंट क्या है लेस देन 60 ईयर है, अगर जो पेशेंट है वो क्या 60 ईयर से कम का है एंड विदाउट कोमॉर्बिडिटीज, कोमॉर्बिडिटीज क्या होती हैं कि उसको पहले से कोई बीमारी और तो नहीं है इसके अलावा, इस बीमारी निमोनिया के अलावा उसको क्या लाइक ब्लड प्रेशर हाई, क्या ब्लड शुगर डायबिटीज, ये सभी चीजें हैं तो नहीं है, अगर ये भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी दवा देनी है वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, 60 ईयर से कम का पेशेंट है और उसको पहले से कोई बीमारियां नहीं है विदाउट कमोरबिडिटीज है, तो उसमें क्या हम देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन हम देंगे 500 mg, 500 mg की वंस अ डे, ओडी मीन्स वंस अ डे फॉर वन डे, वन डे पर डे हम क्या देंगे 500 mg देंगे हम एजिथ्रोमाइसिन, और क्या 2-5 या फिर क्या देंगे हम 250 mg पर डे, पर डे ओडी में देंगे, एक दिन में एक बार देंगे और कितनी 4 डेज के लिए देंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्या देंगे, नॉरफ्लॉक्सासिन या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन हम देंगे 400 mg ओडी 7 डेज के लिए, लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन देंगे हम क्या पर डे ओडी वंस अ डे देंगे 7 डेज के लिए। नेक्स्ट क्या है, आउट पेशेंट ग्रेटर देन 65 ईयर्स, अभी क्या है जो बाहरी आया था मीन्स कम्युनिटी स्प्रेड हुआ था, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड था वो पेशेंट आया है और उसकी एज क्या है 65 ईयर से ऊपर है, तो इसको क्या नॉरफ्लॉक्सासिन दी जाएगी 400 mg वंस अ डे 7 डे, 7 डेज के लिए हम देंगे, और क्या देंगे इसको सेफ्ट्राएक्सोन 1 से 2, 1 से 2 ग्राम पर डे देंगे, और क्या सिफेक्सिन या फिर हम क्या सिफेक्सिन 2 से 4 ग्राम पर डे देंगे थर्ड जनरेशन की, और सिफेलोस्पोरिंस मैक्रोलाइट्स लाइक एजिथ्रोमाइसिन 500 mg वंस अ डे पर डे या फिर 250 mg वंस अ डे फॉर 4 डेज हम ऐसे देंगे। ओके, अभी क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आए हुए हैं पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड, ये क्या हॉस्पिटलाइज्ड है बट नॉट सीवियरली इल, लेकिन वो सीवियरली इल नहीं है मींस क्या वो काफी सीरियस केस में नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, अभी क्या हम देंगे थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देंगे, उसके साथ में क्या मैक्रोलाइड्स और सेफ्ट्रैक्सोन एजिथ्रोमाइसिन देंगे, एजिथ्रोमाइसिन के अलावा हम क्या नॉरफ्लॉक्सासिन लिवोफ्लॉक्सासिन भी दे सकते हैं 400 mg वंस अ डे में। ओके, अब क्या है नेक्स्ट, इफ द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड बट नॉट सिवियरली इल, ये क्या थे, पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड बट नॉट सिवियरली इल, और यहाँ पे क्या है इफ द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड बट ये क्या सिवियरली इल है, ये क्या है सीवियरली इल है, तो यहाँ पे क्या देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन, यहाँ भी क्या देंगे हम थर्ड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन देंगे, मैक्रोलाइड या फिर सिफ्राक्सोन, मैक्रोलाइड सिफ्राक्सोन को देंगे हम, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड निवर क्या देंगे फ्लूरोक्विनोलोन्स जिसमें कौन सी आती है गैटीफ्लॉक्सासिन, अभी क्या यहाँ पे गैटीफ्लॉक्सासिन हम एक्स्ट्रा एक ड्रग एड कर रहे हैं अगर क्या है वो सीवियरली इल है पेशेंट, तो अभी क्या है पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड सीवियरली इल, ये भी क्या है सीवियरली इल है, तो यहाँ पे क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड सिफ्ट्रैक्सोन और क्या एजिथ्रोमाइसिन एंड न्यूली
कौन कौन सी? गैटी फ्लॉक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स होंगी। और क्या देंगे हम? वी कैन ऐड वैंकोमाइसिन, इसमें हम वैंकोमाइसिन को भी ऐड कर सकते हैं। और क्या है? पेशेंट विद आईसीयू एडमिशन, अभी क्या ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है और आईसीयू में अगर है तो क्या देंगे? थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स लाइक गैटी फ्लॉक्सासिन, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी इनमें दिया जाएगा क्योंकि वो आईसीयू में है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दिया जाएगा। और सलाइन के साथ साथ वैंकोमाइसिन और मेरोप्नोन, ये क्या मेरोप्नेम, ये दी जाएंगी। और क्या है? फॉर एचएपी सिफाइलोस्पोरिन्स, ये क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, एचएपी का मतलब क्या है? हॉस्पिटल, ये क्या है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड अगर न्यूमोनिया, हॉस्पिटल में आकर के पेशेंट को एक्वायर्ड हुआ है न्यूमोनिया, उसमें क्या देंगे हम? सिफोलोस्पोरिन देंगे और उसके साथ साथ में अमीनोग्लाइकोसाइड्स को देंगे। तो ये क्या था? ये हमारा ट्रीटमेंट था किसके लिए? हॉस्पिटल में है अगर और वो आईसीयू या फिर सीवियरली इल है। अभी क्या है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, अभी क्या वैक्सीन कौन कौन सी हम देंगे, वैक्सीन कौन कौन सी यूज की जा सकती थी इसमें? तो क्या है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेवनार भी बोलते हैं। इसको क्या, इसमें कब दिया जाता है? इसको चिल्ड्रंस में दिया जाता है, फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एज, 2 साल से कम के अगर है तो उनमें यह दिया जाता है, या फिर और बिटवीन 2 एंड 4 ईयर्स विद स्पेशल या फिर सर्टन मेडिकल कंडीशंस। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या 2 से 4 साल के बीच में इसको देते हैं, वो कुछ अलग एक्सेप्शनल मेडिकल कंडीशंस होती हैं। ये क्या? न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, और क्या बोलते हैं इसको? न्यूमोवैक्स बोलते हैं। तो वो प्रेवनार है और ये क्या है? ये न्यूमोवैक्स है। ये क्या एडल्ट्स में लगेगी? ये क्या है? एडल्ट्स हु आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यूमोकोकल निमोनिया, जो न्यूमोकोकल निमोनिया निमोनिया होने के इंक्रीज रिस्क पे हैं, सच एज द एल्डरली, जो क्या एल्डरली हैं, काफी ज्यादा एज हो चुके हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, दोज विद क्रोनिक हार्ट, क्या इनका हार्ट जो है वो क्या काफी सीरियस है, लंग और किडनी डिजीज उनको है, एल्कोहलिक्स और स्मोकर्स हैं, इनके केसेस में क्या हम इनको हम क्या देंगे? न्यूमोवैक्स या फिर क्या हम न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन हम इनको देंगे। तो ये क्या होता है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि चलते हैं एक चिल्ड्रन के लिए और क्या कुछ एडल्ट्स के लिए भी हैं, ये वैक्सीन का यूज किया जाता है। अभी क्या है? प्रिवेंशन, लास्ट हमारा क्या आया? प्रिवेंशन, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स मेजर स्टेप्स हैं जो कि आपको क्या लेने चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। तो क्या आता है? करेंट स्मोकर शुड बी एडवाइज टू स्टॉप, जो अभी स्मोक कर रहे हैं उनको क्या उनको एडवाइस ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप स्मोकिंग क्विट कीजिए। इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, आप इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल का वैक्सीन को लगवाइए। टैकलिंग मेल नरिशमेंट एंड इंडोर एयर पोल्यूशन, अभी जो मेल नरिशमेंट है उसको क्या आप टैकल कीजिए, उसको किसी तरह खत्म कीजिए, और क्या इंडोर एयर पोल्यूशन को भी आप क्या प्रॉपर वेंटिलेशन घर में बनाइए, और इंडोर एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको क्या आप कोशिश कीजिए कि वो किसी भी तरह से हटे। इनकरेजिंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मीजल्स पर्टुसिस एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये क्या करेंगे हम? अब हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को क्या इनहेंस करेंगे और सजेस्ट करेंगे लोगों को भी कि आप प्लीज ये वैक्सीनेशंस को लगवाइए, कि उसके किसके लिए जो होती है मीजल्स पर्टुसिस एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में ये वैक्सीन किसी भी केस में क्या छूटने न पाए। आप क्या ये सब एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी वैक्सीन जरूर से जरूर अपने बच्चों को लगवाएं। उसके बाद क्या है? वियर मास्क व्हाइल ट्रेवलिंग आउटसाइड, जब भी बाहर जाएं तो उसमें क्या आप मास्क लगा करके जाएं। तो ये क्या है? इन सभी प्रिवेंशन हैं, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो कि लिए जाने चाहिए आपको अगर इस बीमारी से बच के रहना है तो उस केस में। सो न्यूमोनिया से रिलेटेड इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नई डिजीज के साथ, नए डिसऑर्डर के साथ। टिल देन थैंक यू। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर पुट अप कीजिए। थैंक यू।